ये है क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल में आपने डाल लिया विड्थ, ये सिंगल साइड करना है आपको, सिंगल साइड। हाँ, विड्थ हो गया 1,220x2,440 चार बाई आठ का और 18 mm पौना इंच शीट का, mm ये रहेगा मटेरियल सरफेस। और डबल साइड कब रखते हैं? डबल साइड में तभी रखते हैं जब आप दोनों साइड पे मशीन करना, ये 3D में समझो कि एक हाथी वाथी बना रहे हो डबल साइड में। आप पता है वो करते हैं अपने बाबू रवि? हाँ करते हैं, वो हाथी बनाता है ना, तो इससे बनाते हैं ना। हाँ ऐसे इसमें कर सकते हैं, स्पायर में बनाते हो तो 8K में बनाते हैं। 8K में भी वो 8K में साइड ज्यादा हो जाता है। अच्छा, एक साइड ये करो फिर फ्लिप करके दूसरे साइड बनाओ। अच्छा ठीक है, वो डबल साइडेड है। इसमें डबल साइडेड अगर हमको करना है कोई डिजाइन, बराबर है, तो इसका यूट्यूब वीडियो देखो। अच्छा हाँ, कि कैसे आप अलाइन करते हो, कैसे डबल वबल मारना है, क्या करना है, ये डबल साइडेड का अच्छा ट्यूटोरियल बहुत लोगों ने बना रखा है। अच्छा, विथ वीडियो सबको समझ में आ जाएगा वहाँ से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या मैंने बनाया नहीं कभी वो, लेकिन ये कैसे यूज करना है, कौन सा डेटम पोजिशन यूज करना है, हर कुछ दे रखा है। तो अभी मैं यहाँ पे वेक्टर डाल के यूज करेंगे। ओके ओके किया हमने, अब हम लोग इंपोर्ट करेंगे। कहाँ पे इंपोर्ट? हाँ, इंपोर्ट वेक्टर, इंपोर्ट वेक्टर्स, जैसे आपका ये था तो मैंने ये इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इंपोर्ट करके करता हूँ कि ये सारा हटा देता हूँ यहाँ पे, इसको सिंगल क्लिक और एक सिंगल क्लिक, तो वो आ जाता है यहाँ पे सिलेक्शन में, सिंगल क्लिक और एक सिंगल क्लिक और मूव इट। अभी जो इसको है मैं सीधे सीधे सेंटर डाल सकता हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं करना, ये राइट क्लिक करके मुझे ये जो हमारा सिलेक्शन है इसमें सिलेक्शन करेंगे, बोलेंगे सेलेक्ट ऑल ओपन वेक्टर्स, तो ये बताएगा कि भैया ये ओपन है। ओके, अच्छा तो ये लाइन है और ये लाइन है, इसको मैं यहाँ पे कट कर देता, समझो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कट कर दिया। ओके, यहाँ पे रीजॉइन ट्रिम सेक्शन है लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि अलग ही है। ओके, तो मैं इसको शिफ्ट करूँगा, ये वाली बाहर वाली लाइन सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे जॉइन क्लोज वेक्टर। लेकिन ये जो जॉइन करने की जरूरत है क्या? हाँ, क्योंकि ये मेरा शीट है। शीट है, लेकिन ये कटिंग करोगे ना बाहर, ऐसे ये बॉर्डर है ना, इसके बाहर कटिंग करेंगे। नहीं, लेकिन अभी समझ लो कि ये पीस निकाल रहे हैं। हाँ, अगर मेरे को सिर्फ क्या करना रहता है, जैसे ये पैनल साइज है, ये पैनल साइज है, इसमें मैंने ये डिजाइन बनाया है, तो मेरे को सिर्फ ये कट करना रहता है और अंदर की कटिंग करें, ये पैनल अपना वो फिक्स। हाँ, वो अपनी मर्जी है। अभी 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 को समझ लो कि ये निकालना है, कट करके पीस निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जॉइन बाय मूविंग एंड पॉइंट्स। अच्छा ओके, तो फिर मैं फिर से करूँगा इसको सेलेक्ट करके। हाँ ये हो गया, ये अभी इसमें कोई दिक्कत है। अब इसमें अभी फिर से करूँगा मैं राइट क्लिक सेलेक्शन सेलेक्ट ऑल ओपन वेक्टर्स, तो ये दिखा रहा है फिर से ये। अरे भाई क्या हुआ इसको, तो क्या करेंगे हम, लिखो फिर करेंगे राइट क्लिक करेंगे जॉइन क्लोज वेक्टर्स मूव एंड पॉइंट्स फिर से देंगे। ओके ठीक है, अभी फिर से हम लोग सेलेक्शन करेंगे सेलेक्ट ऑल ओपन वेक्टर करेंगे, देखिए अभी वो चला गया। फिर इसको सेलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो जॉइंट जॉइन क्लोज मूव एंड पॉइंट्स। ओके ओके, फिर सेलेक्शन करेंगे सेलेक्शन सेलेक्ट ऑल ओपन वेक्टर, देखिए ये चला गया, ये रह गया, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे हम लोग, करेंगे जॉइन क्लोज वेक्टर्स ओपन मूव एंड पॉइंट्स। मूव एंड पॉइंट्स ही यूज करना है, दूसरा नहीं यूज करना, ठीक है। अभी ये हो गया, अभी हम लोग इसको सीधे सीधे डायरेक्ट सेलेक्ट किया। ओके, टूल पाथ को गए, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, अभी जैसे 18 mm में शीट तो 18 mm दे दिया, टूल हमने सेलेक्ट कर लिया, एड मिल 6 mm, यहाँ पे इसने पास डेप 3 mm है, इसको मैंने 6 कर दिया। ओके ठीक है, 3 पास में हो जाएगा ये, इसको जो है आउटसाइड रखना। अच्छा यहाँ भी देखो कन्वेंशनल है, यहाँ पे आपको पता है आउटसाइड है, तो कुछ जो अंदर वाली जो डिजाइन है तो इनसाइड काटना रहेगा, तो दो बार बनाने पड़ेंगे, ऐसा रहेगा ना? नहीं, आउटसाइड इनसाइड खुद कैलकुलेशन कर लेता है। अच्छा, इनसाइड का अंदर और आउटसाइड का बाहर। ओके, लेकिन अभी जो हमारा जो लास्ट वाला कर्व है वो तो उसको वो कैसे कट होता है उसको हमको डालना है बस। अच्छा हाँ, अभी मैंने यहाँ पे भी 8 mm में भी हो जाता है, आउटसाइड मैंने कर दिया, आउटसाइड करके मैंने दे दिया कैलकुलेट, ये हो गया। आप 2D में जाओ और देख लो जूम करके, ये पूरा अंदर ही कटिंग हुआ है। ओके ठीक है, और इसका बाहर ही हुआ है। हाँ, 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 हाँ,
एक और चीज़ है जो आपको इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ कि आप जब भी इसमें इम्पोर्ट करते हो ना, तो इसको सेलेक्ट करके एक बार एन दबा देना, एन। अच्छा, देख लेना कि पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स कम हो। ओके, जैसे ये सब कम है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे हार्ड कैम में वो दिखता है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये कर्व फिट। अच्छा, है ना, ये वाला ऑप्शन, फिट कर्व्स टू सिलेक्टेड वेक्टर्स। ठीक है, आप टॉलरेंस देके, एंगल देके आप ऐसे प्रीव्यू करोगे तो कम डॉट्स के साथ हो जाता है। अच्छा, ओके। हाँ, ये मैंने देखे सर्कुलर आर्क्स दिया है, मैंने बेजियर देके प्रीव्यू कर सकता हूँ। नंबर्स ऑफ ये नोट्स कम चाहिए, ये कम कर सकते हैं, है ना। कम भी करते हैं, अपने बेजर में किया तो स्मूथ भी हो जाता है, तो मशीन भी स्मूथ से चलता है। समझ में है ना। अभी जैसे मैंने यहाँ पे 0.01 दिया, 0.01 दिया है ना, एमएम है तो 0.1 भी दे सकता हूँ। देखो पॉइंट कम हो गए ना, 0.1 चलता है। ओके, 0.1 काफ़ी है, तो मैंने 0.1 दिया, प्रीव्यू किया, फिर इसको ओके किया। अब यहाँ पे आपका दो दो वेक्टर है, अब ये सेलेक्टेड वाला कौन सा नया है, यही देखने के लिए एक बार एन दबा दो। बेजियर है, ये वाला नया है, तो ये जो ये दबाया एन, ये कर्व है, तो इसको डिलीट कर, ये आ गया आपका बेजियर वाला कर्व। एन दबाओगे बेजियर, ये सिंपल से हो गया। Okay. तो इसमें क्या होगा, आपका जो है स्मूथ से चलेगा मशीन। देखो यहाँ पे आपको ये ज़्यादा लगेगा पॉइंट वगैरह, देखोगे इसी को, यहाँ पे देखो ये बेजियर वाला है, नॉन बेजियर वाला है। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो वेक्टर्स को। ओके, ठीक है, अंदर बाहर कर सकते हो। ये अंदर बाहर टूल पाथ ऑप्शन से ही यूज़ करोगे, ये वाला यूज़ करोगे, और ये वाला पॉकेटिंग टूल पाथ है, और ये वाला ड्रिलिंग है। ठीक है, ये वाले भी आप ट्राई करना, इनले हो गया, क्विक एनग्रेविंग हो गया, हाँ वी कार्विंग हो गया, हाँ फ्लोटिंग तो डायरेक्ट है आपका, फ्लोटिंग का ज़रूरत नहीं है। टेक्स्चर टूल पाथ है, रेडीमेड टेक्स्चर्स मिलेगा आपको, और प्रिज्म कार्विंग टूल पाथ है, ये आपका जो इसमें काम है डायरेक्ट ऐसे आप अप्लाई होगा। हाँ, वो आपको टाइप करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ना, कुछ भी आप है इस पे प्रिज्म, इस पे लिखा है, अब आप जाते हो तो बताता है ना प्रिज्म कार्विंग टूल पाथ, तो आप यूट्यूब में डालिएगा प्रिज्म कार्विंग टूल पाथ इन एस्पायर। अच्छा, डालेंगे तो उसका ही वीडियो आएगा, आप उस पर देख के उस पर अमल करना। ठीक, यूजली वो लेटर्स के लिए होता है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है आपको, जो साइन बोर्ड वगैरह, साइन बोर्ड वाले आते हैं, मुझे ऐसा चाहिए, थोड़ा वैसे टेपर चाहिए वर्ड्स में, तो वो सब, तो उसके लिए भी तो वीट भी तो अपने को वी वीट लेना पड़ता है 60 डिग्री। हाँ, तो वी वीट लेके कर सकते हो बिट वगैरह। जैसे कैसा है, अभी जो बड़े बड़े डोर्स रहते हैं ना अपने, तो उसमें भी मैंने देखा है वो वी वीट ही ज्यादातर यूज होते हैं। बराबर।